हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फ्लेमिंगो के थर्ड चैप्टर डीप वाटर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर विलियम डगलेस ने लिखा है। विलियम डगलेस ने एक बुक लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट तब हुआ था जब मैं 10-11 साल का था। मैंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया। याकिमा में YMCA में पुल है जो हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। याकिमा नदी खतरनाक है। मेरी माँ मुझे बार बार वॉर्न करती रहती थी और डूबने के हर एक इंसिडेंट को मेरे माइंड में फ्रेश करती रहती थी। YMCA का पुल सेफ था, जिसका पिछला सिरा 2-3 फीट डीप था और दूसरा किनारा 9 फीट डीप था। मैंने पेयर ऑफ ए वाटर विंग्स ली और पूल पर चला गया। मुझे उसमें नंगे जाने और अपनी स्किनी लग दिखाने में शर्म आती है। मुझे पानी से डर लगता है। जब मैं 3-4 साल का था तो मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। हम दोनों वहां पानी में खड़े थे, तभी लहरों के एक झोंके ने मुझे इस तरह धकेला कि मैं पानी में जा डूबा और मेरी सांस रुक गई। तभी से मेरे दिल में ये डर बसा हुआ है। YMCA के पुल पर जाने से मेरी पुरानी यादें तो ताज़ा हुई और उसके साथ साथ मेरा डर भी ताज़ा हो गया। मैंने कॉन्फिडेंस बटोरा और दूसरों की नकल करने की कोशिश की ताकि मैं सीख सकूं। मैं पुल पर गया। उस वक्त वहां कोई भी नहीं था। मैं वहां बैठकर दूसरों के आने का वेट कर रहा था। तभी वहां एक पहलवान सा लड़का आया जो लगभग 18 साल का होगा। वो ब्यूटीफुल फिजिकल स्पीसीमैन का नमूना था। वो जोर से आकर कहता है, हे पतलू, तुम्हें डुबकी खाना कैसा लगेगा? यह कहकर उसने मुझे उठाया और पानी में फेंक दिया। मैं बैठी हुई पोजीशन में पानी में जा रहा था। उसी टाइम मैंने प्लान बनाया कि जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे तो मैं एक बिग जंप करूंगा, जिससे मैं पानी के सरफेस पर आ जाऊंगा और फ्लैट होकर बत्तख की तरह तैरता हुआ पैर पूल के एजिस पर आ जाऊंगा। मैं स्लोली स्लोली नीचे जा रहा था। ये लग रहा था कि 9 फीट 90 फीट हो गए हैं। जब मेरे पैर बॉटम को हिट किए, मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी और एक बिग जंप की। मैं धीरे धीरे ऊपर तो आ रहा था, पर जब मैंने आंख खोली तो पानी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया जैसे कि मैं किसी रोप को पकड़ना चाहता हूँ, पर मेरे हाथ पानी के अलावा कुछ न लगा। मेरी सांसें रुक गई। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई पावर मुझे नीचे की ओर खींच रही है। मैंने चीख मारी, परंतु मेरी आवाज पानी के अलावा किसी ने न सुनी। वो पावर मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मेरा सिर चकराने लगा, पर मुझे प्लान याद था कि पैर बॉटम को हिट करेंगे तो एक बिग जंप करनी है, जिससे सरफेस पर आके तैरता हुआ एजिस तक आ जाऊंगा। मैंने आंखें खोली तो पाया कि पानी के अलावा वहां कुछ है ही नहीं। मैं डरावनी दुनिया में वापस जा रहा था। मैंने अपने इस प्लान को 2-3 बार दोहराया, परंतु कुछ ना हो सका। किसी ने मुझे ऊपर निकाला और कहा, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं पुल के पास पेट के बल पड़ा उल्टी कर रहा था। जिस व्यक्ति ने मुझे फेंका था वो कह रहा था, मैं तो हंसी कर रहा था। कुछ घंटों पश्चात जब मैं घर गया तो मैं कांप रहा था। मैं रोने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उस रात न तो मैंने कुछ खाया और ना ही पिया। जाकर मैं चुपचाप सो गया। जब भी मैं किसी रिवर, सी, आइलैंड के पास जाता तो मेरा पुराना डर वापस लौट आता। मैंने डिसाइड किया, अक्टूबर के महीने में मैंने एक ट्रेनर को अपॉइंट किया कि ट्रेनर से अब मैं स्विमिंग सीखूंगा। मैंने ये डिसाइड किया। मैं पुल पर गया और पर डे डेली 1 घंटा और वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करने लगे। ट्रेनर ने मुझे एक बेल्ट पहनाई और बेल्ट को ऊपर रस्सी से बांध दिया, जिससे कि वो मुझे आसानी से कंट्रोल कर सके। रस्सी के एक हिस्से को वो पकड़े रहते थे और हम पूल के चारों ओर घूमकर प्रैक्टिस करते रहते थे ताकि मेरा डर कम हो जाए। हर बार ट्रेनर रस्सी को थोड़ा ढीला कर देता था, जिससे मैं पानी में गिर जाता था और मेरा डर वापस लौट आता था। मेरी टांगें फ्रीज हो जाती थी। 3 महीने के बाद मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ, मेरा डर थोड़ा कम हुआ। पानी में मुंह रखकर सांस छोड़ना, नाक को ऊपर उठाकर सांस लेना मुझे सिखाया गया।
वो मुझे एक ओर से पकड़ लेते थे और पानी में टांगे मारने को कहते थे, जिससे कि मेरे टांगों पर मेरा कंट्रोल आ जाए। हर एक पार्ट को ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके सीखते गए और जब मैं विदाउट एरर हर एक पार्ट को करने लगा, अप्रैल तक मैंने जाकर सब कुछ सीख लिया था। अप्रैल में ट्रेनर ने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। ट्रेनर ने कहा डुबकी मारो और पूल की पूरी लेंथ को कवर करो। मैंने कर ली। अब ट्रेनर का काम पूरा हुआ। मैंने सोचा कि अब मैं पुल में अकेला स्विम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं पुल की लंबाई को अपने आप पार कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैंने पुल की लंबाई को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार कर ली और मैंने पुल की ओर देखकर कहा, मुझे डराना चाहते हो? अच्छा, यह लो, देखो मैं अब पुल की लंबाई को एक बार फिर से पार कर लूँगा। मैं अपने आप में अभी सेटिस्फाई नहीं था कि मैं अपने आप ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसीलिए मैं न्यू हैम्पशायर के वेंट वॉट लेक पर गया और ट्रिक्स आइलैंड में डुबकी मारकर झील को 2 मील दूर तक स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुँचा। डर एक बार फिर लौटा। मैंने हंस कर कहा, अच्छा मिस्टर टेरर, क्या तुम समझते हो कि मैं तुमसे डर जाऊँगा? वह भाग गया और मैं तैरता रहा। जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वेस्ट की ओर चला। टाइटन पर चढ़कर कॉनरेड मीडो पहुंचा। कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर और ऊंची मेडो मतलब चारागाह में वार्म लेक पर जाकर छलांग लगाई। कर मैं दूसरे किनारे पर वापस आया और मैं खुशी से चिल्लाया। जिलबर्ट पीक से मेरी आवाज वापस आई। मैंने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसा कि रूजवेल्ट को पता था कि जब उसने कहा हम डर केवल डर सा लगता है क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति और मरने के भय से जो डर पैदा होता है दोनों को एक्सपीरियंस किया है, जीने की इच्छा मजबूत हो जाती है। पता है कि मैंने अपने डर पर किस तरह से काबू किया। अगर हम डरते हैं तो हम और ज़्यादा डरते चले जाते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच।